बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आज का नया व्लॉग। तो आज का हमारा व्लॉग है मल्टी गार्डन B17 का। तो आज मैं आपको मल्टी गार्डन B17 का विज़िट करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है ए ब्लॉक से लेकर एफ ब्लॉक तक। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं मल्टी गार्डन B17 गेट नंबर 2 साइड से। तो आपने वीडियो में साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी ये मल्टी गार्डन B17 गेट नंबर 2, ये देखें जी सिक्योरिटी के काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स हैं इनके। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी फैसल हिल्स की, सेम वैसा ही ये सिक्योरिटी के इनके इंतजाम हैं और सोसाइटी भी बहुत खूबसूरत है। जैसे फैसल हिल्स की मैंने वीडियो बनाई थी सेम वैसे ही अच्छी खासी डेवलपमेंट B17 की भी है। इन सोसाइटीज़ की सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक्स बनते हैं सब में बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाते हैं इसमें, और बहुत प्यारे प्यारे बड़े बड़े ग्राउंड हैं, क्रिकेट ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है। तो अभी मैं मौजूद हूँ एफ ब्लॉक में, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्यारे प्यारे और बड़े बड़े लग्जरी घर बने हुए हैं यहाँ पर, और अच्छी खासी यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है ए ब्लॉक से लेकर एफ ब्लॉक तक। और इस एफ ब्लॉक में एक और ख़ास बात यह है कि इसमें जो कमर्शियल एरिया है और कमर्शियल जो बड़ा मरकज़ है, सेकंड बड़ा मरकज़, जो दूसरा बड़ा मरकज़ है वो एफ ब्लॉक में है। फर्स्ट मरकज़ है, जो सबसे बड़ा मरकज़ है वो ए ब्लॉक में है, और सेकंड जो बड़ा मरकज़ है वो एफ ब्लॉक में है। ये मेन मरकज़ है जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये मेन मरकज़ है एफ ब्लॉक का। और इस खूबसूरत मस्जिद का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ये मस्जिद है। ये जो आपको सामने मस्जिद नज़र आ रही है इसका नाम जामिया मस्जिद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से है, और ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं अल्लाह अकबर के नाम से, क्योंकि मस्जिद की जो फ्रंट दीवार है उस पर बहुत बड़ा अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। और इस सोसाइटी में जितनी भी सड़कें हैं ये 120 फुट चौड़ी सड़कें हैं। तो ये है जी वो मस्जिद, ये अल्लाह अकबर के नाम से, क्योंकि इसके जितने भी पिलर्स वगैरह हैं और जितनी भी मेन इसकी दीवारें हैं सब पे अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, इसलिए सारे लोग इसको अल्लाह अकबर के नाम से ही जानते हैं। और यहाँ B17 के अंदर से ही आप इस्लामाबाद की तरफ भी जा सकते हैं। ये सामने जो रोड नज़र आ रही है ये आपको लेके जाएगी पहले संगजानी, उसके बाद 26 नंबर से सीधा आप इस्लामाबाद आसानी से जा सकते हैं। और ये सामने आपको जो सबसे बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है J7 एम्पोरियम मॉल, ये 26 फ्लोर पर मुश्तमिल है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 4 साल का है। 2020 में ये स्टार्ट हुआ था और अब 2022 है, और इंशाल्लाह ताला 2024 से पहले पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस ब्लॉक में प्लॉट के जो साइज हैं वो 7, 10 और 12 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। और इस ब्लॉक में एक मेन मरकज़ है और 3 कमर्शियल एरिया हैं जिनमें ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद है। J7 एम्पोरियम मॉल की जो बैक साइड पे बड़ी बिल्डिंग है कैपिटल स्क्वायर के नाम से ये बिल्डिंग है, और इसके नीचे एक बहुत बड़ा कमर्शियल है जिसमें तमाम ब्रांड्स मौजूद हैं, और ऊपर सारे अपार्टमेंट्स हैं रहने के लिए। और इसके सामने एक बहुत बड़ा ज़ू भी है जो कि बच्चों की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत मशहूर चौक है फवारा चौक, यहाँ से B17 मल्टी गार्डन B17 गेट नंबर 1 साइड। इन सोसाइटीज़ में अच्छी और ख़ास बात एक ये भी है कि ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ मुयस्सर होती है यहाँ पे। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और कमर्शियल एरिया जितने भी हैं जहाँ पे ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ आसानी मिल जाती है। बड़े बड़े क्रिकेट ग्राउंड हैं, फुटबॉल ग्राउंड है, मतलब हर चीज़ है, पार्क है, ग्राउंड है एक्टिविटी के लिए, वॉक के लिए, खुले रोड, साफ़ सुथरे, क्लीन,
नीट एंड क्लीन। और ये जो अभी आपको कमर्शियल एरिया जो नज़र आ रहा है, ये भी B17 मल्टी गार्डन 1 से जब आप इंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आता है। तो सामने गेट नंबर 1 है जहाँ से अभी आउट होना है। लेफ्ट साइड पे जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये B17 की खूबसूरती है। अभी हम गेट नंबर 1 से GT रोड की तरफ बाहर आउट हो गए। ये खूबसूरत एरिया B17 गेट नंबर 1 मल्टी गार्डन है। और ये भी हम पहुंच चुके हैं मेन GT रोड, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद से आने वाली ट्रैफिक की आपको नज़र आ रही है। और यहाँ से ट्रैफिक की जितनी भी ट्रैफिक है, जितनी भी ये सारी जा रही है टेक्सला के बाद पेशावर, और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जो डिस्टेंस है वो फैसल हिल्स का है। तो आज का व्लॉग जहाँ एंड करते हैं। जो लोग वीडियो में मेरे साथ रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका, और उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें। और अगर उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कोई मेरी बीच में कोई गलती हो मुझसे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।